ना कश्मीर तो मिलना ही नहीं, ये दुश्मनी पैदा नहीं होता। फिर आप सब जूते भी खाओगे और सब प्याज के गले भी खाओगे। इसलिए दानिश का तकाजा ये है, दानिश का तकाजा ये है कि आप उन्हें आंखें डाल कर जो है उनको तस्लीम करने में करने का अपने में हौसला पैदा करें। उसके लिए जरूरी है कि आप जो कश्मीर के आवाम की पौने 2 करोड़ कश्मीरियों की आजादी खुद मुख्तारी और खुदारी की आजादी की तहरीक को सपोर्ट करें। मेरे मोहतरम बातें बहुत सारी और करनी थी लेकिन समेट रहा हूं, एक दो बातें यहां उठी उसे उसके बाद को वो करके आपसे जा चुका। यहां कहा गया कि जनाब हम असेंबली में जाए, कौन सी असेंबली में ये जो 5 मिलियन के अवेयर कह रही यहां कह चुका होंगे, वो भक्तों की असेंबली है जिनके कश्मीर कैसे आंखें दिखाई। एक सचो कश्मीर रोज में जाकर छापा लगाता है जिससे चोरों की तरफ भाग के आते हैं और अब आजाद कश्मीर में भी आके वो जो है इनको तलाश करें। छोड़े ये तो थोड़ी बड़ी बात है, ये असेंबली ये वजीर आजम ये सब ये वजीर जो अपने एसएचओ को जैसे यहां पहले बात की थी एक एसएचओ को पाकिस्तानी फौज के हवलदार के साथ उलझने की बुनियाद पर मातल होने से बचा ना सके वो मेरी और आपकी गैरत की क्या खासियत है। उन पर जो है अपने दोस्तों के कहने पर 75 इंतखाबात में गए, 2 एयरपोर्टों की जमानत करवा दी गई और मकबूल भट्ट ने उसका खराज किया दिया। अब पसंद बताइए कोई अपनी फैमिली की मेंबरशिप के लिए इलेक्शन में जाऊं तो फिर जैसे मैंने कालिम कहा कि 100 प्याज के घंटे भी हो गए, 100 पहली तो बात यह कि ये जिन सूबेदारों की हुकूमत से आजाद नहीं है कि हमें जीतने ही देंगे तो होता है। हम उसके बारे हैं, हम तब्दीली के दाई हैं, हम इंकलाब के दाई हैं। हम कहते हैं ये करप्ट सिस्टम है, इसमें इतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि ये लोगों के मसले हल कर सके, लोगों की मुश्किल दूर कर सके, लोगों की घर दूर मकानों का लोगों की अजमतों का पासबा बनना तो बहुत दूर की बात। पैरोकार के भाई हैं कि वो इस गंदे अमल को सब लगते नहीं नकाब करें, लोगों को समझाएं डर कर जा कर एक एक बंदे के साथ चाहे चाहे कि खुद इलाकों बरादरी और करीनों रिश्तों नातों का शिकार होकर अपने आप को इस गंद का हिस्सा बना। मेरे मोहतरम और बात भी नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब DIG SPs वगैरह जो है इनकी मरात भी शायद उन्हीं के बराबर और किसकी मरात उनके बराबर नहीं। ये जो सामने नौजवान खड़ा है, ये जो पुलिस वाला खड़ा है, पंजाब में पुलिस वाले की तनख्वाह 18,000, मैं कहना चाहता हूँ अगर उनके बराबर इस्लामाबाद की तो छोड़िए, अगर उनके बराबर इनकी मरात नहीं कर सकते तो अपनी मरात को भी नीचे लाइए। आप करते क्या हो, ये सदर वजीर आजम करते क्या जो अपने एक एसएचओ का दफा नहीं कर सके, एक मिलिट्री के हवलदार के सामने जो वो खड़ी में बांधता वो मामला हुआ मेरे गांव में, 4 पुलिस वालों को एक SI साहब थे, 2-3 भाई एक ड्राइवर थे, 2 पुलिस वाले उनको वहां बैठाकर SP साहब घर पे, DIG साहब घर पे, कमिश्नर साहब घर पे, DC साहब घर पे, और फिर बम का शिकार भी कौन हुआ, वही गरीब मासूम और मफलूक हाल पुलिस वाला जिसपे मुझे भी शिकवा होता है आपको भी होता है कि ये रिश्वत लेता है। एक तो थाना चलते रहे, थाना ठेकू पे चलते हैं, ऊपर से मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर से, आज के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता चूंकि मेरी मालूमात नहीं है, लेकिन पहले से जो कल्चर है थाना ठेकू पे उसी थानेदार को वहां लगाया जाता है जो खुद भी खाता है ऊपर भी खिलाता है, उसी को तफ्तीशी लगाया जाता है जो जुद भी लेता है ऊपर भी लेता है, उसी को पटवारी है उसी को तहसीलदार। यह सबका इस रिश्वत के कल्चर को खत्म होना चाहिए, इस सिफारिश के कल्चर को खत्म होना चाहिए और फिर इस नाइंसाफी को खत्म होना चाहिए कि पंजाब में 18 अगर कश्मीर कश्मीर है तो फिर ये मैं कहता हूँ 6,000 ये अपनी कामी गैरत के नाम पर 3,000 भी लेने के लिए हम इनको तैयार करेंगे, लेकिन जो मक्कारी तुम कर रहे हो कि अपनी मराद के लिए तो कश्मीर पाकिस्तान है पर गरीबों के लिए कश्मीर अलादा है, ये दो बातें एक वक्त में नहीं हो सकती। या तो इनको भी 18,000 उनके बराबर तनख्वाह दिलाओ या अपनी मराद भी कम
ये फौज जफर मौज खत्म करो, ये निकम्मे नायल लोग हैं, ये कुछ करते ही नहीं है। ये जो हमारा इलमी है, हम चूंकि सदियों चीफ मिनिस्टर हाउस में गवर्नर हाउस में, उसने कहा मेरे साथ में इंसाफी हो रही है, ये क्या कि मुझे 6,000 और वहां वाठावाम में है या खवास में है, उसको चाहिए कि अपनी कामी गैरत के लिए और अपने हक के लिए खड़ा हो जाए। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हर गैरतमंद कश्मीरी की पीठ के पीछे पीठ पे नहीं है, उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा है जम्मू कश्मीर लिबरेशन। उसने थोड़ी सी गहरत का मुजाहरा किया, हम उसके साथ खड़े हैं। हमारी आवाज कहां तक जाती है, कहां तक नहीं जाती, सेहत के एक बात बताना चाहता हूं, आज अगर ये सदा बसरा है, कल ये हमारी आवाज जबान खल्क बनेगी। कल इस आवाज का उस पुलिस वाले उस सच्चों को नहीं, हर गहरतमंद पुलिस वाले को उसको फायदा होगा। हम ये आवाज फसल के साथ लगाते रहेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो रवायती सियासत के चैंपियन, ये जो गुजरा मशीर वजीर आजम हजब इख्तलाफ के कायद इमरान असम्बली पीपल्स पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रांस जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी, पता नहीं क्या हमें गैरत भी नीलाम कर दें और किसी मजलूम के हक में आवाज भी नोट। मेरे मोहतरम बाप मकबूल भट्ट ने कहा था, मैं गलानी जबर जबर साल सूद की और मुनाफत के खिलाफ बगावत का मुत्तकिब हुआ हूं। ये इस्तेसाल है, हम इस्तेसाल की इस्तेसाल के खिलाफ बगावत के मुत्तकिब हैं और रहेंगे। तो मेरे इंतहाई वाजिबुल इकराम भाई और बुजुर्गों, आखिर में आप दिल यथा गहराई से, आपने पहला पत्थर फेंका है, आप साल में मिलकर पहला पत्थर फेंका है, डिस्ट्रिक्ट पंच की जो हमारी बॉडी है बिलखसूस मैं समझता हूं, और खसूसन जो है दफे डिस्ट्रिक्ट पंच के नायब सदर जहीर साहब को आज के इस अच्छे प्रोग्राम कराने पर और इनिशिएटिव लेने पर पूरे JKLF की तरफ से, JKLF की सेंट्रल कमेटी की तरफ से, JKLF के दुनिया जहां में जहां जहां कहीं भी कोई कारकन मौजूद है या हमदर्द मौजूद है, उन किसानों की तरफ से आज भी इंकसार के साथ एहतराम के साथ जो है खराज तहसीन पेश करता हूं। इसलिए कि ये पहला पत्थर फेंका गया है बॉर्डर लाइन पे, शहीद 26 साल में पहली बार पहला पत्थर फेंका गया है और अब ये पत्थर बरसते रहेंगे। हर साल 11 फरवरी को, हर साल 11 फरवरी को टिकरी रोड क्रॉसिंग पॉइंट पर JKLF शहीद मकबूल भट्ट की बस्ती घुमाता रहेगा। आज इतनी बनाई, अगले साल इसे दुगनी बनाएगा, आज यहां बनाई, अगले साल यहां से 4 कदम आगे बनाएगा, उसी अगले साल 4 कदम और आगे बनाएगा, फिर उधर से भी लोग आएंगे,